तो चलिए भाई, आज करते हैं YouTube की पॉलिसी ट्रेनिंग, जो कि बहुत ज़रूरी होती है हर यूट्यूबर के लिए। तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं। और सबसे पहले आपको पॉलिसी ट्रेनिंग के जो है इसका बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें सबसे पहला जो ये आपको ट्रेनिंग का जो पहला सेशन होता है, इसमें मतलब 7 सेशंस के अंदर हम इसको समझेंगे और आज पूरी पॉलिसी की ट्रेनिंग हमारी हो जाएगी। तो कोई भी नॉडिटी का कंटेंट होगा, तो अगर उसका उसका ये पर्पस देखा जाएगा कि वो किस पर्पस से अपलोड किया जा रहा है, तो उस पर्पस के हिसाब से जो है वो उसकी वायलेशन काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम अलाउ करते हैं इस तरह की वीडियोस पे, अगर वो एजुकेशनल पर्पस पे हो या डॉक्यूमेंट्री हो या साइंटिफिक कोई रीज़न हो या आर्टिस्टिक कॉन्टेक्स्ट हो या इस तरह का जो भी मतलब रीज़नेबल हो, जिससे मतलब पॉजिटिव वे की तरफ जा रहा हो। तो मिसाल के तौर पर ये एक कंटेंट है जो कि मुझे तो पॉजिटिव नहीं लग रहा, लेकिन इसके बारे में ये मतलब इसको कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव। कह रहे ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो के अंदर एक रिकॉर्डिंग है जो कि एक सिंगर है और वो स्ट्रीट पे मतलब एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है जिससे उसका जिस्म वादे तौर पे नज़र आ रहा है, लेकिन उसका पर्पस जो है बेसिकली वो नहीं है, मतलब वो सिंगिंग करने की उससे मतलब वो उसकी नियत से नहीं आई। तो फिर उसके बारे में कहेंगे कि क्या ये वायलेशन है। तो उसका पहला सवाल बनता है, कह रहे अगर मतलब इसकी पॉलिसी ट्रेनिंग का तरीका ये, तो भाई इसका जो है मैंने कहा कि भाई ये वायलेशन नहीं है। तो ये इसे कह रहे हैं कि बिल्कुल ये आपने सही जवाब दिया। तो बेसिकली नॉडिटी के कोई भी कंटेंट अगर आप अपलोड करेंगे तो आपको पर्पस जो है उसके बिहाफ के ऊपर आपके ऊपर वायलेशन लगेगी। अच्छा, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। डिजिटल सिक्योरिटी क्या होती है? डिजिटल सिक्योरिटी बेसिकली अक्सर जो टेक चैनल्स होते हैं, जिस तरह के जो कंटेंट मतलब जो टेक कॉन्टेक्ट हो जिसके अंदर उसको अलाउ यूट्यूब अलाउ नहीं करता, जो या तो हैकिंग कर रहा हो या किसी सॉफ्टवेयर की या किसी भी डिजिटल एसेट्स की हो, इसके बाईपास किया जा रहा हो या कोई पेमेंट का जो हो या कोई भी डिजिटल कंटेंट हो जिसको मतलब क्रैक हैक या बाईपास किया जा रहा हो, तो इस तरह की चीज़ों को ट्यूटोरियल्स बनाना, इस तरह की चीज़ों पर वीडियोस बनाना, वो सारी जो है ना आपको अलाउ नहीं है। तो इस तरह की वीडियोज़ अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो वो वीडियोज़ आपकी मतलब आपकी पॉलिसी वायलेशन करेंगे। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि एक कॉन्टेंट है जो कि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ टू use computers or information technology with the intent to steal credentials, compromise personal data or cause serious, मतलब कह रहे हैं कि हम अपने कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करें दूसरों का डेटा चोरी करने के लिए, मतलब इस तरह के कंटेंट बनाना जिससे आपको लगे कि यार मतलब ये कंटेंट मसालेदार है, या इस तरह के कंटेंट जिसमें आप ये बता रहे हो कि भाई ये ऐप है और इसको इस तरीके से कैसे यूज़ करेंगे कि इसका जो है इल्लीगल हम इसका एक्सेस ले रहे हैं। साल की तरफ आप किसी भी XYZ कोई भी गेम या ऐप या स्कोप को कोई इसके अंदर ट्रिक या टिप या हैक बता रहे हैं जो कि मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई अगला यूज़र समझ जाएगा कि भाई ये मतलब कोई हैक या इस तरह का कोई ट्रिक तरीके से बाईपास है या क्रैक है, तो वो पर्पस से वो समझ जाएगा यूट्यूब के भाई ये मतलब कोई इल्लीगल तरीके से काम कर रहा है। और इस तरह का कंटेंट जो है इवन एजुकेशनल पर्पस के ऊपर भी और डॉक्यूमेंट्री साइंटिफिक और आर्टिस्टिक पर्पस भी अलाउ नहीं है। मसलन अगर मैं एजुकेशन पर्पस के ऊपर कोई भी बड़े इदारे को मतलब बाईपास कर रहा हूँ, क्रैक कर रहा हूँ उनके डेटा को, मतलब ब्रीच कर रहा हूँ या कोई अटैक कर रहा हूँ उनके ऊपर, और मैं बोलूँ कि भाई एजुकेशन पर्पस है, दिस इज़ नॉट एजुकेशन पर्पस, रियल अटैक होगा, समझ रहे हैं आप। तो एजुकेशन पर्पस पे किसी को कत्ल करना मतलब इचाल हो जाएगी, तो वो तो गया ना काम से, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात की है, कह रहे फॉर एग्जाम्पल LI शेयर्स इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू एडिट अ फोटो टू मेक someone look younger using expensive photo editing software. He mentioned that he got a copy of editing software for free, but he doesn't provide any instruction on how others can get it free. Lai shows viewer how to use the tool to reduce the appearance of wrinkles. समझ रहे आप, कह रहे हैं कि भाई एक बंदे एक LI ने एक instruction बताई है कि भाई एक photo आप किस तरह के edit करेंगे कि आप जवान नज़र आएँ, और उन्होंने भाई बताया कि भाई एक software मुझे free में मिला है, लेकिन वो आपको कोई इस तरह की मालूमात नहीं दे रहा कि आप कैसे फ्री हासिल करेंगे, और वो बस यूज़र्स को ये बता रहे हैं कि भाई आप अपने आप को जवान कैसे दिखाएंगे, तो क्या ये वायलेशन होगी? तो भाई ये वायलेशन नहीं होगी। चलें देखते हैं, तो कह रहे हैं आपका जवाब दुरुस्त है। तो इस तरीके से समझ रहे हैं आप कि अगर कॉन्टेंट इस तरीके से बनाया जा रहा है कि उसके अंदर मतलब वो पर्पस नहीं बताया जा रहा। अच्छा, एक सेम नेक्स्ट है एज एन अप्रोप्रिएट, आपको पता होगा, कह रहे हैं कि एज का आपको पता है कि
मतलब एक ऐसी वीडियो आप बना रहे हैं जो कि वो उसके ऊपर आपको लगता है कि यार ये इस एज के लोग ना देखें और इस एज के लोग देखें, तो वो उसके ऊपर आपको एज इनप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो होते हैं वो आपको उसको काफ़ी आपने केयरफुली देखना होता है। मतलब आपने ऐसा कंटेंट बनाना होता है जो आपने मतलब एक माइनॉरिटीज़ को दिखाना होता है, ख़ास तौर पे एक मखसूस एज और एक मखसूस आप जेंडर टारगेट कर रहे हैं, जो भी जेंडर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एज लिमिट्स के ऊपर आप उसको चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक सवाल है कि एंड्रियन केली हैव अ यूट्यूब चैनल वेयर दे पोस्ट फन चैलेंजेस ट्रूथ और डेयर वीडियोज़ एंड अदर इंटरेक्टिव कॉन्टेंट ऑल थ्रू, दे आर ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, they have a following of diverse fans who encourage them to post more videos, a fan offers Andrea and Kelly money like and subscription if they do a swimsuit try on with other friend from school, Andrea and Kelly think that the idea is a great and post a video titled picnic haul. to kehna hai ki is tarah ka jo ye content dalenge to bhai ye violation hoga, to isko hum dekh lete hain. keh raha bilkul durust, to is tarah ka content jo ki matlab aap ने सुना कि भाई ये वो उनकी एज है वो कम है और उनका कंटेंट इस तरह का है, तो फिर ये इस तरह के यूज़र्स के लिए कंटेंट, अगर आपकी उम्र कम है और आप इस तरह कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो आप वायलेशन करेंगे. अच्छा, डॉक्सिंग क्या होता है, ये बड़ा अजीब सा सवाल है, तो इसको भी समझने की हम इसको पढ़ेंगे समझ जाते हैं. कॉन्टेंट डेट शेयर्स थ्रेटन्स टू शेयर और इनकरेज अदर्स टू शेयर नॉन पब्लिक पर्सनली आइडेंटिफाइड Info PPI isn't allowed on YouTube. मतलब इस तरह की मालूमात शेयर करना जिससे दूसरों को ख़तरा हो और या इनक्रेज किया जाए कैसी ऐसी मालूमात को जो कि मतलब YouTube अलाउ नहीं करता है, मतलब किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जिससे एक्सपोज करना या किसी की मतलब चीज़ों को, इस तरह की वीडियोस अगर आप बना रहे हैं तो ये इस तरह का मतलब ये वायलेशन करेंगे आप. मिसाल के तौर पर PPI इंक्लूड समवन होम एड्रेस, मिसाल के तौर पर किसी का आपने होम एड्रेस एक्सपोज कर लिया, उसका ईमेल या उसका साइन अप इन्फॉर्मेशन लाइक इसका यूज़र नेम पासवर्ड, अला आप किस तरह के किसी भी वीडियो के अंदर किसी को एक्सपोज कर रहे हैं, किसी का डेटा पर्सनल डेटा उसका एक्सपोज कर रहे हैं, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि वो नहीं चाहता कि आप उसको शेयर करें, तो ये आप पॉलिसी वायलेशन करेंगे और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. मिसाल के तौर पर आप उसकी किसी भी सिचुएशन को या कंडीशन को आप शेयर कर रहे हैं जो कि वो नहीं शेयर करना चाहता लोगों के साथ, या ऐसी मालूमात जो उसकी मतलब आवाम में मौजूद नहीं है जो कि उसकी पर्सनल लाइफ में मौजूद है और आप उसको आवाम में लेकर आएंगे, तो फिर ये जो है उसके बारे में हो या उसके कॉन्टैक्ट्स के बारे में हो या उसका फ़ोन नंबर हो या उसका पर्सनल कोई बिजनेस डिटेल्स हो, तो इस तरह की जो कॉन्टेंट होंगे ये हरेसमेंट के अंदर आएंगे. इसको आप ना एजुकेशन पर्पज़ पे शेयर कर सकते हैं, ना साइंटिफिक, ना कोई इस तरह के किसी भी वर्जन पे आप इसको शेयर नहीं कर सकते, वरना ही आपका काउंट किया जाएगा कि आपने भाई इसको हरेस किया. तो अब ये एक सवाल बनता है, यहाँ पे कह रहा है कि क्रिस्टियन एंड जोए आर बोथ यूट्यूब क्रिएटर्स, कह रहे दो यूट्यूब क्रिएटर्स है जो कि रिसेंटली उन्होंने एक आर्गूमेंट किया कि क्रिस्टियन अपलोड करेगा वीडियो जो कि कंप्लेनिंग करेगा जोए के बारे में, और एट द एंड ऑफ वीडियो क्रिस्टियन शेयर्स अ स्क्रीनशॉट व्हिच हैज जोए फुल नेम एंड प्राइवेट होम नंबर्स एंड क्रिस्टियन सेज आई हेट जोए एंड आई कैन नॉट वेट अंटिल दे रे शी क्वाइट यूट्यूब. समझ रहे हैं, दो बंदे हैं, एक उसका पर्सनल डिटेल निकाल रहा है और बोल रहा है मैं उसके बारे में बुराई करता रहूँगा जब तक तो अपना यूट्यूब चैनल बंद कर ना ले, तो भाई आप क्या समझते हैं, वो ऑब्वियसली जो है ये आपको ये मतलब वायलेशन की जाएगी, मतलब ये वायलेशन कर रहा है बंदा. तो इसको हम चेक कर लेते हैं हम सवाल को. देखो गौर से पढ़ने के बाद ये होता है ना कि आपका जवाब सही होता है, तो ये सारी पॉलिसी वायलेशन अगर आप वीडियो गौर से अगर देख रहे हैं और आप तवज्जो से सुन रहे हैं तो आपको मतलब एक अगर आप मतलब आपको कोई भी जब इसके बाद आप कोई भी कंटेंट बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें कोई वायलेशन नहीं होगी क्योंकि इसमें हम पूरी चीज़ों को कवर करें. अच्छा, वैक्सीन मिस इन्फॉर्मेशन कॉन्टेंट दैट पोजेज अ सीरियस रिस्क ऑफ इंग्रीजियस हार्म बाई स्प्रेडिंग मेडिकल एंड मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट करंटली एडमिनिस्ट्रेटेड वैक्सीन दैट आर अप्रूव्ड एंड कन्फर्म टू द सेफ एंड ये जो कोविड का जो सीन हुआ था जिसमें लोग कहते थे कि भाई ये वैक्सीन नहीं लगाओ, यूँ नहीं करो, वूँ नहीं करो, तो उन्होंने भाई पॉलिसी में एक चीज़ अपग्रेड कर ली थी कि भाई कोई भी मतलब डिटेल्स आप किसी भी कंपनी को या किसी भी वैक्सीन को टारगेट करेंगे, कोई भी दवाई को बोलेंगे कि ये गलत है या मतलब उसके बारे में आपको पता ही नहीं जबकि वो वेरीफाइड है, तो फिर ये भी आप वायलेशन करेंगे. तो इस तरह की कोई भी मतलब तरह की वैक्सीन हो तो भाई इसका सवाल पढ़ लेते हैं वैक्सीन के बारे में. ये तो मुख्तसर सी बात है जिसको हमने ये देख लिया है. अच्छा, सवाल पढ़ लेते हैं.
In a video creator says, it's a definitely possible to implant microchips into the body. I heard about a woman who has a microchip in her palm that she uses to unlock her house. I wonder if they are studying whether they can use COVID vaccine to inject us with tracking chips. मसलन एक ऐसा सवाल, एक बंदा है जो कि ये उसका एक गुमान है, ख्याल है कि भाई एक बंदे के उसने चिप लगाई और यूँ क्या है, तो एक बंदा कह रहा है कि यार हमें लग रहा है कि वैक्सीन जो हमारे अंदर लगाएंगे, ये लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, इस वैक्सीन के अंदर इन्होंने माइक्रो कुछ ऐसा सिस्टम लगाया है कि इसके ज़रिए हमारे को ट्रैक किया जा रहा है और हमारे को ये किया जा रहा है। मतलब सर लोग बोलते हैं ना कि यार वो इसमें दिमाग हैक हो जाएगा और तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा बड़ा घर हो जाएगा, तो भाई इस तरह कोई भी वायलेशन टाइप आप वीडियो बनाएंगे तो ये आप वायलेशन करेंगे, तो हम कर लेते हैं और उसको हम करते हैं कि नहीं में, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा नहीं ना। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वी मे अलाउ कंटेंट दैट इंक्लूड्स मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन इफ़ द कंटेंट हैव एजुकेशन और इस तरह का कोई पर्पस हो, इफ़ द पर्पस ऑफ द कंटेंट इज मतलब कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हो, वी मे ऑल्सो मेक एक्सेप्शन फॉर कंटेंट डिस्कसिंग द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक मेडिकल स्टडी शेयरिंग पर्सन इंफॉर्मेशन। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई ये वायलेशन, यार मैंने गलती कर ली, इसको नो पे रखना था। तो चलिए हम इसको, नेट हमारा शायद काम नहीं कर रहा, तो भाई ये वैक्सीन के हवाले से हमने इसको समझा नहीं शायद, भाई क्या जान लेगा कि आगे बढ़ा ले भाई, तो पहले से ही करेक्ट हो गया भाई। वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट दैट इंटेंडेड टू शॉक और डिसगस्ट व्यूअर्स इट्स इजंट अलाउड ऑन यूट्यूब। मतलब कोई ऐसी तस्वीर हो जो कि मतलब अगला देख के वो चौंक जाए, या इस तरह का कोई वीडियोस वगैरह जो है ना, कह रहा है कि हम अलाउ नहीं करते, ये भी इनकी मतलब ग्राफिक्स वायलेंस के अंदर आता है, कह रहा हम ऐसा वो कंटेंट अलाउ करेंगे जिसमें एजुकेशनल पर्पस। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने एक डेड बॉडी के पोस्टमार्टम कर रहा है और उसके अंदर वो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा रहा है, वो एक प्रोफेसर है, तो मतलब ज़ाहिरन तो एक अजीब सा है ना कि यार इंसान को आप काट पीट रहे हैं और ये मतलब एक इलीगल तरीका है जो कि नहीं करना चाहिए, और मतलब उसका पर्पस अलग हो जाता है। तो इस तरह का जो है ये कह रहे हैं कि ये कंटेंट, मतलब आगे भी यही एग्जांपल उन्होंने दी कि जेमिनी पोस्ट एंड एजुकेशन डॉक्यूमेंट्री अबाउट बाईसाइकिल रेसिंग दैट शोज अ क्रैशिंग ड्यूरिंग रेस हर वॉइस ओवर एक्सप्लेन दैट दिस इज़ वन ऑफ अ सर्वल सर्विस सर्व एक्सीडेंट दैट हैपन ड्यूरिंग अ 2021 माउंटेन बाइकिंग कंपटीशन इन फ्रांस। जेमा नरेट्स दैट द स्टार्ट ऑफ द रेस एंड लेटर शोज दैट द इंजर्ड बाइसाइकिल वाउंड्स इंक्लूडिंग डीप कट्स across his legs with a lots of blood, the injuries are not blurred or obscured। कह रहे हैं इन्होंने एक एजुकेशनल वीडियो बनाई, एक वाक्य को इन्होंने मतलब कॉपी किया है। मिसाल के तौर पर अक्सर बसाओं का ऐसे वाक्यात होते हैं जो कि लोग वो स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं ताकि चीज़ें एक्सपोज हो जाती है कि भाई फलानी जगह पे ऐसा वाक्य हुआ था, तो उसको भी एक मतलब एक तरह का एक सीन बनाते हैं जिसके अंदर सर मूवीज़ में वो गोली मारते हैं खून निकलता है, वो होता तो नहीं है। तो कह रहे इस तरह की वीडियोज़ जो होगी क्या ये वायलेशन करेगी, तो मैंने कहा भाई नो, तो वो नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक और एग्जांपल दिए, सेम एज इट इज इलेक्शन इंटीग्रिटी कंटेंट दैट कंटेन्स फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटकम ऑफ सर्टेन पास्ट फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इजंट अलाउड ऑन यूट्यूब। दिस इंक्लूड्स कंटेंट दैट क्लेम्स दैट द सर्टिफाइड रिजल्ट ऑफ 2021 जर्मन फेडरल इलेक्शन एंड फ्लब। ये इलेक्शन के हवाले से हैं कि मतलब इलेक्शन के हवाले से आपको जो है इनकी पॉलिसी है, कह रहे हम शायद इस चीज़ की इजाज़त दे कि कंटेंट जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन हो, इफ़ द कंटेंट हैव एजुकेशन, कह रहे अगर किसी भी ऐसी वीडियो जो इलेक्शन के बारे में हवाले से बनाई जा रही है लेकिन वो तालीम के मकसद से बनाई जा रही है या किसी मतलब इस तरह की कोई भी बात हो जो कि कोई रीज़नेबल हो, तो फिर शायद कह रहे हम इसको अलाउ करेंगे। अब इन्होंने करना है कि फर्नांडा लाइव स्ट्रीम हरसेल्फ वॉचिंग द न्यूज़ एंकर डिस्कस द 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन ब्राज़ील। फर्नांडा सेज दैट द ओनली वे टू आउटकम इज़ अ पॉसिबल इज बिकॉज ऑफ अ रैम्पेंट नेशन वाइड वोट फ्रॉड इवन थ्रू द इलेक्शन रिजल्ट्स हैव ऑलरेडी बीन ऑफिशियली सर्टिफाइड बाय द रिवल अनऑथराइज्ड। अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई फर्नांडा जो कि लाइव स्ट्रीम के अंदर बता रही है कि भाई वो मतलब न्यूज़ देख रही है, तो उसमें जो है इन्होंने एक बात कर ली कि भाई इस तरह से ये सीन हुआ है, तो बताओ ये वायलेशन है कि नहीं है।
जबकि ऑलरेडी जो है ये इलेक्शन जो है मतलब एक इलेक्शन का ऑलरेडी नतीजा आ चुका है और एक बंदे को बादशाह बना दिया गया है, लेकिन एक बंदा कह रहा है कि नहीं भाई ये फ्रॉड हुआ है। और जो इलेक्शन जिस बंदे ने जिस जिस इदारे ने उसका रिजल्ट निकाला है वो एक सर्टिफाइड इदारा है, तो ये जो बंदा बात करेगा तो एक मतलब वायलेशन करेगा क्योंकि ये एक इल्ज़ाम लगा रहा है। यार हमारा शायद नेट स्लो है जिसकी वजह से डेटा सबमिट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो आई थिंक इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देख सकते हैं आप जैसे कि इसने भाई अब ये कह रहा है कि हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये वायलेशन है। तो चलो भाई हम देखते हैं, ये थी हमारी पॉलिसी ट्रेनिंग और हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। और ये हमारी पॉलिसी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल्स आपको सारी पता चल गई कि भाई पॉलिसी के बारे में यूट्यूब की पॉलिसी कैसी होती है, कोई भी कंटेंट बना रहे कंटेंट के हवाले से आपको सारी पॉलिसी के बारे में आइडिया हो गया। तो अब आप जो कि यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या आप किसी आइडिया को लेकर आ रहे हैं सामने, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी वीडियोज़ को बनाएंगे और उसको मतलब आगे अपलोड करेंगे। तो ये पॉलिसी उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगी इंशाल्लाह। और इसमें अगर आपको कोई मतलब कोई भी पॉलिसी समझ नहीं आ रही तो आप यूट्यूब में जाके इनकी पॉलिसी को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और उसके बाद जो है दोबारा आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं गौर से। तो एक दो बार देखने से आपको सारी पॉलिसी याद हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।